हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास है पोको X3 Pro। आज इस वीडियो में पोको X3 Pro का वाटर टेस्ट करेंगे और देखेंगे ये फोन वाटर रेजिस्टेंस है कि नहीं। इस फोन का जो प्राइस है बेस वेरिएंट 19,000 में मिलता है, तो वाटर टेस्ट तो बनता है। सबसे पहले चलिए दोस्तों सेटिंग में, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग विश्वास नहीं करता है। चलिए दोस्तों अबाउट फोन में, यहाँ पे दोस्तों मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ देख लीजिए, म्यू वर्सन, एंड्रॉयड वर्सन वगैरह सब कुछ क्लियरली दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अभी चलिए दोस्तों कुछ टेस्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो फिंगरप्रिंट दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मैं टैप कर रहा हूँ, ओपन हो रहा है। अभी फेस अनलॉक को ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, फेस अनलॉक भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। काफ़ी अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ पे अनलॉक हो रहा है। अभी चलिए दोस्तों स्पीकर टेस्ट करते हैं। तो फुल साउंड है दोस्तों, स्पीकर में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी चलिए दोस्तों कैमरा टेस्ट करते हैं। कुछ बैक कैमरा सैंपल एक खींच लेते हैं यहाँ पे, और सेल्फी कैमरा सैंपल यहाँ पे एक सेल्फी कैमरा का सैंपल भी मैंने खींच लिया हूँ। अभी देखिए दोस्तों इसका पिक्चर क्वालिटी, तो पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो कैमरा में भी दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस फोन को रख देंगे, पलट देंगे, ऑफ हो चुका है। चलो दोस्तों फोन को हम लोग यहाँ पे पलट देंगे, और यहाँ पे दोस्तों पानी को हम लोग डालेंगे। चलो फोन के ऊपर मैंने पानी गिरा दिया हूँ। अभी चलिए स्टॉप वॉच को मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। दोस्तों एक मिनट तक दोस्तों हम लोग यहाँ पे वाटर टेस्ट करेंगे और देखेंगे ये फोन वाटर रेजिस्टेंस है कि नहीं। उसके पहले बता दूँ, आप लोग एक घर में ट्राई मत करना, वरना दोस्तों आपके फोन डैमेज हो सकता है। मेरा ये टेस्ट करने का मकसद ये है, अगर आपके फ़ोन पानी में गिर जाए या बारिश में भीग जाए तो आपके फ़ोन टिकेगा कि नहीं, वो बताने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे ये टेस्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग गौर से देखिएगा और घर में ट्राई मत करना दोस्तों, वरना बहुत सारे भाई लोग आके कमेंट करेगा कि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है। अभी चलिए 30 सेकेंड हो चुका है, फ़ोन को हम लोग यहाँ पर पलट देंगे। और आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ़ोन काम नहीं कर रहा है। ऐसे भी पानी के अंदर फ़ोन काम नहीं करता है, और यहाँ पे बबल्स वगैरह आ रहा है, मतलब दोस्तों पानी अंदर जा रहा है। और बहुत सारे भाई लोग वगैरह बोलता है कि मैं स्टिकर वगैरह चिपका देता हूँ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी 52 हो चुका है, तो एक मिनट के बाद दोस्तों हम लोग फ़ोन को पानी से बाहर निकालेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर एक मिनट हो चुका है। अभी चलो दोस्तों फ़ोन को काफ़ी अच्छी तरीके से ड्राई कर लेते हैं। अगर आपके फ़ोन पानी में गिर जाए तो दोस्तों थोड़ा सेक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो पोर्ट वगैरह है ना दोस्तों, इसके अंदर पानी कभी कभी चला जाता है। तो चलो सबसे पहले दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पे ड्राई कर लेते हैं, और मुझे लगता है दोस्तों ड्राई हो चुका है। तो चलिए अभी पोर्ट से बाहर आ रहा है दोस्तों पानी वगैरह। चलिए कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि कैमरा ओपन करेंगे, एक सेल्फी कैमरा सैंपल खींचेंगे, उसके बाद बैक कैमरा सैंपल खींचेंगे। मैं आप लोगों को दिखा दूं दोस्तों, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, पिक्चर क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अभी चलिए दोस्तों हम लोग स्पीकर टेस्ट करते हैं यहाँ पे। स्पीकर भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और आप लोग यहाँ पे गौर करोगे कोई भी दोस्तों हेडफोन का जैक यहाँ पे नहीं आया है। चलो दोस्तों हम लोग यहाँ पे हेडफोन लगाते हैं, और हेडफोन लगाकर दोस्तों यहाँ पे गाना प्ले करेंगे। आपको आवाज़ आ रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन दोस्तों हेडफोन जैक काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अभी चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट को लगाएंगे और देखेंगे चार्ज होता है कि नहीं। 1 2 3 यहाँ पे चार्जिंग हो रहा है दोस्तों, जो कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो चार्ज में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिंगरप्रिंट टेस्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर टैप किया, ओपन हो गया। तो फिंगरप्रिंट भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फेस अनलॉक भी बढ़िया काम कर रहा है दोस्तों, तो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है दोस्तों, अभी के लिए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपके फ़ोन पानी में गिर जाए या बारिश में भीग जाए, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप लोग स्विच ऑफ कर देना, और 24 आवर्स के लिए दोस्तों इस फ़ोन को अच्छी जगह में रखना, जैसे कि दोस्तों अंदर डस्ट वगैरह जा पाए। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे होता है डस्ट वगैरह बाजार में मिलता है,
तो वो खरीद कर दोस्तों उसके अंदर रख देना 24 आवर्स। तो अगर पानी अंदर जाएगा उससे दोस्तों डस्ट क्या करेगा, पानी खींच लेगा, मतलब जो पानी रहेगा अंदर वो सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो मैं दोस्तों ये रिक्वायरमेंट करता हूँ, अभी दोस्तों इसको मैंने स्विच अप कर दूंगा और 24 आवर्स के बाद दोस्तों इसको मैं निकालूंगा डस्ट से, और उसके बाद दोस्तों फुल रिव्यू में मैं आप लोगों को बताऊंगा ये फोन डैमेज हुआ कि नहीं। अभी के लिए दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये था वाटर टेस्ट दोस्तों। ये सारे वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, एक लाइक जरूर करना, अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो यार जरूर सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।